किसी ने क्या खूब कहा है, उन सारे पत्थरों को अपने पास रख ले जिसे लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का प्रयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अगर हमारा नेतृत्व अच्छा नहीं है, समझदारी नहीं है, तो अच्छा खासा चलता हुआ काम खराब हो जाता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मेहनती चींटी की कहानी। एक चींटी थी, वह बहुत मेहनती और प्रसन्नचित रहती थी। वह हर रोज काम पर जाती और मन लगाकर काम करती थी और खूब सारा काम समय पर समाप्त करके घर आ जाती थी। काम में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसका प्रमुख एक शेर था। शेर ने सोचा कि यदि यह चींटी बिना किसी दिशा निर्देश के इतना काम कर लेती है, तो वह सुपरवाइजर के अधीन इससे भी अधिक उत्पादन देगी। लिहाजा शेर ने एक कॉकरोच को चींटी का सुपरवाइजर बना दिया। कॉकरोच बहुत अच्छी कार्य रिपोर्ट लिखता था। कॉकरोच ने सबसे पहले चींटी के कार्य को समयबद्ध किया। इसके लिए उसे एक सेक्रेटरी की जरूरत थी। उसने एक मकोड़े को रिपोर्ट आदि लिखने और फोन अटेंड करने के लिए रखा। शेर यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कॉकरोच को प्रोडक्शन रेट्स तैयार करने को कहा, जिसे वह बोर्ड मीटिंग में दिखा सके। इसके लिए कॉकरोच ने कई उपकरण खरीदे। एक मक्खी को आईटी विभाग की देखरेख के लिए रखा गया। इस सबसे चींटी को बहुत कम समय मिलता काम करने के लिए, क्योंकि उसका कीमती वक्त कागज काले करने में बेकार जाने लगा। उधर शेर ने चींटी के विभाग का नया विभागाध्यक्ष भी नियुक्त किया। यह काम मिला एक पतंगे को, जिसने सबसे पहले अपने लिए ऑफिस बनवाया और असिस्टेंट रखे। अब वह विभाग जहां चींटी काम करती थी, एक गपशप स्थान बन चुका था। पतंगे ने शेर को बताया कि विभाग में कुछ फेरबदल जरूरी हो गई है। शेर ने आकलन करते हुए पाया कि उत्पादन पहले से कहीं गिर चुका है, इसीलिए उसने एक उल्लू को ऑडिट करने के लिए रखा। उल्लू ने 3 माह बाद अपनी रिपोर्ट दी कि डिपार्टमेंट ओवर स्टाफ्ड हो गया है। लिहाजा शेर ने सबसे पहले चींटी को निकाल दिया और उस पर इल्जाम लगाया काम चोरी का। दोस्तों, कहानी बताती है कि एक कर्मठ कर्मचारी पर यदि बेवजह मानसिक बोझ लादा जाता है, तो नतीजा हमेशा नकारात्मक रहता है। जो व्यक्ति काम करने वाला होता है, उसे और बेवजह किसी और चीज में न उलझाए। लीडर का काम यही होता है और यह नियम हर जगह लागू होता है। आज समाज में, परिवार में या कॉरपोरेट में, कहीं भी, ज़्यादातर कॉरपोरेट में ऐसे नियम लागू होते हैं जहां पर लोग काम करने वाले होते हैं, उनको और जगहों पर ना उलझाए, और उनको अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसे बेहतर बनाने के लिए उन्हें मोटिवेट करते रहें। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।